बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिटी के क्यूब रूट्स पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, आज उनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं। यूनिटी मतलब नंबर वन, इसको यूनिट या यूनिटी कहा जाता है। इसके तीन क्यूब रूट्स हैं, एक ये वन खुद, एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। वन एक रियल नंबर है, इसलिए इसे रियल रूट ऑफ यूनिटी कहा जाता है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहा जाता है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्यों हैं? क्योंकि किसी भी नंबर में अगर स्क्वायर रूट के नीचे, स्क्वायर रूट या क्यूबिक रूट के नीचे माइनस का साइन आ जाए तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इसकी वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू माइनस वन माइनस अंडर रूट के नीचे माइनस थ्री ओवर टू है। इसकी वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू माइनस वन प्लस अंडर रूट के नीचे माइनस थ्री बाई टू है। अंडर रूट के नीचे माइनस का साइन आ गया इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी अंडर रूट के नीचे माइनस साइन आ गया इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है। इन दोनों की एक खास बात है कि अगर ओमेगा की वैल्यू माइनस ले रहे हैं या प्लस ले रहे हैं, दोनों ले सकते हैं, यानी माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री भी ले सकते हैं, माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री भी ले सकते हैं। लेकिन अगर ओमेगा की वैल्यू माइनस ली तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू प्लस लेनी पड़ेगी, और अगर इसकी वैल्यू प्लस ली तो इसकी वैल्यू चेंज करके माइनस लेनी पड़ेगी। इन दोनों की ये खास बात है। अब चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं और ये रियल रूट ऑफ यूनिटी है। इनकी चार प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, ये एक दूसरे का स्केयर है, यानी जो ओमेगा है ये इसका स्केयर है। यानी अगर ओमेगा का स्केयर किया जाए तो दूसरे वाला नंबर बन जाएगा। ये तो इस तरह से नज़र आ रहा है, लेकिन हमें इसे प्रूफ भी करना है। मतलब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू ये है, माइनस भी ले सकते हैं प्लस भी, फॉर एग्जाम्पल प्लस ले ली, फिर इसका स्केयर करेंगे। स्केयर करने से आना चाहिए माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू। यानी अगर इस वाली वैल्यू का स्केयर किया तो ये वैल्यू बनेगी। इधर प्लस लिया था यानी ओमेगा कंसीडर किया तो आंसर क्या आना चाहिए? ओमेगा स्केयर आना चाहिए। अगर इधर माइनस लेते तो फिर प्लस आना चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी। यानी एक चीज़ तो ये प्रूफ करनी है कि माइनस वाली वैल्यू के स्केयर से प्लस वाली वैल्यू आएगी, दूसरी चीज़ ये प्रूफ करनी है कि प्लस वाली वैल्यू लिखेंगे और इसका स्केयर करने से माइनस वाली वैल्यू आनी चाहिए। ये दो बातें प्रूफ करनी, ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी। प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी को। पहली प्रॉपर्टी में दो चीजें प्रूफ करनी है। एक तो ये कि अगर माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री बाई टू का होल स्केयर करते हैं तो माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री बाई टू बनेगा। यानी एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का स्केयर करेंगे तो दूसरा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट बन जाएगा, और अगर इसका स्केयर करें तो वो बन जाएगा। तो उसके लिए लिखेंगे ये वाली वैल्यू इसके ऊपर स्केयर, तो इससे उस साइड वाली वैल्यू बन जाएगी। सिंपली क्या करना है, इस वैल्यू को सॉल्व करते जाएंगे, एंड फिगर तक पहुंच जाएंगे। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसमें ऊपर न्यूमिरेटर का स्केयर हो जाएगा, माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री बाई टू, न्यूमिरेटर का स्केयर अलहदा, डिनोमिनेटर का स्केयर अलहदा। न्यूमिरेटर का स्केयर बना ए माइनस बी होल स्केयर, तो लिखा ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर
ओवर टू का स्क्वायर नीचे फोर बनता है, माइनस वन का स्क्वायर वन बना, माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू बना, साथ अंडर रूट माइनस थ्री लिखा हुआ है, ये इससे कटा बना माइनस थ्री, नीचे फोर है, माइनस थ्री प्लस वन बना माइनस टू, प्लस टू अंडर रूट माइनस थ्री बाय फोर, इन दोनों में से टू कॉमन ले लिया तो बना माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री, नीचे फोर लिखा हुआ है, ये टू वन जर टू, टू टू जर फोर कटा, ये कट हो गया, नीचे टू बच गया। तो ये जो आंसर बना, ये कब बना था आंसर, जब इस वाली वैल्यू का स्केयर किया था, इस वैल्यू का स्केयर करते के इधर तक पहुंचे, हमने ये प्रूव करना था कि इसका स्केयर ये बनता है, ये और ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, मतलब इसका स्केयर करने से ये वैल्यू बन गई। तो एक चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं, अब आते हैं दूसरी साइड पे, इसका स्केयर करना। इसके स्केयर में पहले न्यूमरेटर का स्केयर हो जाएगा, माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री का स्केयर हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर टू का स्केयर हो जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है ए प्लस बी होल स्केयर, फॉर्मूला ओपन किया, ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर ओवर फोर, टू का स्केयर फोर होता है, माइनस वन का स्केयर वन बना, इधर बना माइनस टू अंडर रूट माइनस थ्री, प्लस ये इससे कटा तो पीछे बना माइनस थ्री, माइनस थ्री लिख दिया, नीचे फोर आ गया, वन माइनस थ्री बना माइनस टू, माइनस टू अंडर रूट माइनस थ्री है ये, नीचे फोर, ऊपर वाले दोनों में से टू कॉमन आ गया, पीछे बचा माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री बाय फोर, ये टू वन जर टू, टू टू जर फोर कटा, यानी नीचे बच गया टू और ऊपर ये वैल्यू बनी। ये आंसर कैसे मिला, जब इस वाली वैल्यू का स्केयर किया, इस वाली वैल्यू का स्केयर करके शुरू में हमने कहा था कि ये वैल्यू बननी थी, इसका स्केयर करते गए तो इस वैल्यू तक पहुंचे, क्या ये और ये वैल्यू सेम नहीं, हाँ ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, मतलब इधर से स्केयर करते हुए पहुंचे तो इस वैल्यू तक पहुंच गए। ये पहला प्रूफ था कि अगर ये ओमेगा है तो इसका स्केयर ओमेगा स्केयर बनता है, यानी दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट बनता है, ये एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है, इसी तरह इसका स्केयर किया तो दूसरा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट बनता है, यानी ये प्रूव करना था कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं वो एक दूसरे का स्केयर्स हैं, स्केयर्स करते गए तो दूसरे तक पहुंच गए। तो ये पहला प्रूफ कंप्लीट हो गया, दूसरे प्रूफ की तरफ चलते हैं। तीन क्यूब रूट्स थे यूनिटी के, एक वन था, एक ओमेगा था, एक ओमेगा स्केयर था, इनकी एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके कि ये दोनों एक दूसरे का स्केयर हैं, इनकी मखसूस वैल्यूज़ हैं। अब दूसरे प्रूफ पे आए, दूसरी प्रॉपर्टी इनकी डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इन तीनों का अगर प्रोडक्ट किया जाए, यानी वन मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्केयर किया जाए तो आंसर वन बनता है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज वन, ये प्रूव करना है। अभी ओमेगा की वैल्यू क्या है, माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री बाय टू, माइनस या प्लस कोई एक लिख सकते हैं, और ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या है, यही वैल्यू लिखेंगे इस साइन के बगैर। अब ये साइन लिखना है, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस लिखेंगे, अगर इधर प्लस है तो ओमेगा स्केयर की वैल्यू माइनस होगी। इस तरह से इन दोनों की वैल्यू पता चलती है, अगर ओमेगा की ये वैल्यू है तो ओमेगा स्केयर की ये वैल्यू होगी, अगर इधर माइनस लिखते हैं तो इधर प्लस लिखेंगे, यानी इसको ओमेगा भी कह सकते हैं ओमेगा स्केयर भी, लेकिन अगर इसे ओमेगा कहते हैं तो ये ओमेगा स्केयर होगा, और अगर इसे ओमेगा स्केयर कहते हैं तो ये ओमेगा होगा, वो अपनी मर्जी से डिपेंड करता है कि जो लिखने वाला है वो क्या लिखता है। अब इन तीनों का प्रोडक्ट करना है, यानी इस वैल्यू का और वन का, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये तीनों क्या है, वन इंटू ओमेगा स्केयर है। प्रूव ये करना है ये तीनों मल्टीप्लाई होके वन बनते हैं, ये लिखा हो, चलें मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
वन किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो वही चीज बनती है, वन खत्म हो जाता है। मतलब अब मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, बनता है मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया 4, अब न्यूमिनेटर्स मल्टीप्लाई होना रहते हैं, यानी इन दोनों ने इन दोनों से होना है। माइनस वन से हुआ बना प्लस वन, माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री से हुआ बना प्लस अंडर रूट माइनस थ्री, प्लस अंडर रूट माइनस थ्री माइनस वन से हुआ बना माइनस अंडर रूट माइनस थ्री, ये दोनों आपस में हुए बना माइनस अंडर रूट माइनस थ्री का स्क्वायर। सिंपली इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया, ये बना प्लस अंडर रूट माइनस थ्री, और माइनस अंडर रूट माइनस थ्री कट गए, ये स्क्वायर इससे कटा, वन माइनस माइनस प्लस हो गया, आगे थ्री लिखा हुआ है, ओवर फोर, वन प्लस थ्री फोर, नीचे भी फोर, ये दोनों कटे बना वन। यानी वन को ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से वन बनता है, ये बार इधर लिखी थी, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी जो कि हमने प्रूव कर दी। सिंपली क्या किया, तीनों की वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई करवाया, ऑटोमेटिकली वन आ गया। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की तीसरी प्रॉपर्टी पे आए। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या थे, वन था, ओमेगा था, ओमेगा स्क्वायर था, ये तीनों थे। इन तीनों की तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए, वन को, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को, तो आंसर बनता है जीरो। सम ऑफ थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो। ऐड करके देखते हैं इन्हें, यानी प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इनकी वैल्यूज अब लिखेंगे, वन प्लस माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री बाई टू, प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ये तीनों लिखती है। तीन चीजें जब ऐड हो रही हो, तीन फ्रैक्शंस ऐड हो रही हो, तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना होता है। इसका डिनोमिनेटर वन है तो इसको टू बनाने के लिए टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन एक फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमिनेटर को भी उसी नंबर से करते हैं। अब ये बन चुका टू, तीनों का डिनोमिनेटर टू है तो टू लिख दिया, न्यूमिनेटर में टू लिखा हुआ है, आगे माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री, माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री, ये लिखा हुआ, माइनस अंडर रूट माइनस थ्री और प्लस अंडर रूट माइनस थ्री तो कट गए, माइनस वन बना माइनस टू, टू माइनस टू ओवर टू, टू माइनस टू से कटा बना जीरो ओवर टू, जीरो ओवर टू होता है जीरो। जीरो तक कैसे पहुंचे, इन तीनों को ऐड करने से, और यही इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को तो आंसर आता है जीरो, तो जीरो आंसर आ गया। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी थी कि इन तीनों को ऐड करने से जीरो बनता है। चौथी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं क्यूब रूट्स की। चौथी प्रॉपर्टी पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के, चौथी प्रॉपर्टी में एक पहले वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। पहले वाली प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से वन बनता है, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये साथ वाला वन ना भी लिखें तब भी ठीक है, क्योंकि टू इंटू वन टू होता है, तो ये मल्टीप्लाई बाय वन ना भी लिखें तब भी ठीक है, वन जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा हो वो मल्टीप्लाई बाय वन हटा भी दें तो ठीक है, ये चीज़ यूज होनी है इसमें। चौथी प्रॉपर्टी कहती क्या है पहले वो देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के, यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी ओमेगा वन ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल है और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का रेसिप्रोकल है, ये दो बातें। इन दोनों को यहां से अभी प्रूव कर देंगे। ये प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था कि वन इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन होता है, इंटू वन हटा दिया ये चीज बची, ओमेगा को जाके डिवाइड करवा देते हैं, इसको इक्वेशन वन कहते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओवर ओमेगा, ये चीज पहली प्रूव हुई। फिर से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये इक्वेशन वन लिखी,
अब की बार ओमेगा स्क्वायर जाके डिवाइड हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों बातें प्रूव हो गई, पहली बात ये, दूसरी बात ये प्रूव हो गई। ये चौथी प्रॉपर्टी थी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की।